हेलो टू ऑल एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फैबुलस एडियो। दोस्तों, हमने अभी तक अपने लेक्चर सीरीज में टाइम एंड वर्क के बहुत सारी चीज़ें देखी और लास्ट लेक्चर जो कि हमारा लेक्चर था 17, उसमें हमने देखा कि वेजेस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है। आज का लेक्चर जो लेक्चर है 18, इसमें हम देखेंगे उन्हीं सारे कॉन्सेप्ट जो हमने लास्ट टाइम सीखा था उस पे कि और भी कैसे कॉम्प्लेक्स अलग तरह के क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं वेरियस एग्जामिनेशंस में और कैसे हम उनको सॉल्व कर सकते हैं अपने उन्हीं कॉन्सेप्ट से जो कि हमने सीखा है। ओके, तो एक एक करके हम बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चन देखेंगे, आप कोशिश करेंगे उन्हें सॉल्व करने की। और जैसा कि हमेशा मैं करते आया हूँ कि इंग्लिश वाला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, उसका हिंदी अनुवाद मैं कर दूंगा। उसके बावजूद किसी को कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं या हमारे ईमेल आईडी हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं कि आपके साथ क्या दिखते हैं। अगली बार उस सब चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे। तो चलिए, बिना डिले किए हुए आगे हम अपने क्वेश्चन की सीरीज को, ये इस लेक्चर को जो कि हमारा प्रैक्टिस सेक्शन है, आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पर, एबीसी ने कोई काम किया जिसका खर्चा था 1800 रुपये। ए ने छः दिन काम किया, बी ने 4 दिन काम किया और सी ने 9 दिन किया। अगर उनके डेली वेजेस का रेशो है 5:6:4 तो बचाइए ए को कितना मिला होगा। देखिए दोस्तों, वैसे टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है नहीं, ये तो आप रेशो का भी समझ सकते हैं। भाई टोटल पैसा मिला है उनको 1800 रुपये, ठीक है, और ए ने, बी ने, सी ने, आप डेज देखें तो ए ने आपका काम किया है 6 दिन, बी ने 4 दिन और सी ने 9 दिन। ओके, अब लेकिन इनके वेजेस का रेशो है ना, वेजेस टोटल वो है 5:6:4। ओके, हाँ यही रेशो। तो आप एक बात बताइए, अर्निंग क्या होगी, टोटल इनकम, इनकम होगी आपकी जितनी उनकी रोज की कमाई है, दिहाड़ी, जितने दिन काम किया है उसके हिसाब से। तो ये बन जाएगा आपका दोस्तों 30:24:36। ओके, अब ये आपका क्या है, 2 से डिवाइड करना है, कर दीजिए आप, सब 2 से डिवाइड हो सकता है, तो ये रेशो हो गया आपका 15, ये 12 और ये 18। इनफैक्ट 2 से क्या, 6 से ही जा सकता था, आप 6 से ही काट लीजिए। तो ये हुआ आपका 5, ये हुआ आपका 4 और ये हो गया आपका 9। ओके, 6:6:36, छोटी छोटी गलतियाँ होने लग जाती हैं, पता नहीं कहाँ से, ठीक है, 5:4:6। अब 1800 रुपये आपस में बांटने हैं तो अब ए को कितना मिला हुआ, देखिए हम क्या देखते हैं कि अगर टोटल पैसा 5, 4, 9, 6, 15 रुपये में से ए को मिलता है 5 रुपया, 15 रुपये में से ए को मिलता है 5 रुपया, लेकिन यहाँ 1800 रुपया है तो ए को कितना मिलेगा, 1800 में कितना मिलेगा ये आप देख लीजिए, 15 × 1800, तो 1 से 3 से चला जाएगा ₹600, 600 रुपये आपके ए को मिल जाएगा। टाइम एंड वर्क का नहीं था, मोस्टली ये रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी आपके इसमें टॉपिक में मैंने दिखा दिया कि अगर आपको आ जाए तो आप इसे भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। टाइम एंड वर्क, अगर जितना उसने काम किया है, जितना उसका डेली वेज है, उसके हिसाब से जितने दिन काम किए हैं उतना तो उसे मिलना चाहिए ही था। चलिए अगला सवाल आप सबके स्क्रीन पर, 2 आदमी किसी काम को करते हैं 1400 रुपये के लिए, लेकिन उसमें से एक जो आदमी है वो 7 दिन में कर सकता है उसी काम को, अगर और दूसरा आदमी 8 दिन में कर सकता है उस काम को। उन्होंने किसी की मदद ली, एक लड़के की, और सबने मिलकर उस काम को 3 दिन में कर दिया, तो बताइए लड़कियों को कितने पैसे मिले होंगे। ठीक है, तो देखिए आपको वही वाला कॉन्सेप्ट, एक आदमी था ए मान लेते हैं, उसने 7 दिन लेता है, बी 8 दिन लेता है, और आपका ए प्लस बी और तीसरा आदमी है लड़का जो सी, वो मिलके 3 दिन में कर लिया, और पैसे पूरे बांटने हैं उन्होंने आपस में 1400 रुपीज़। ठीक है दोस्तों, 1400 रुपये वो आपस में बांट रहे हैं, तो करना क्या है, कुछ नहीं, वर्क बनाइए। अब मैंने आपको क्या कहा था, तीनों एक साथ काम कर रहे हैं तो हमें एफिशिएंसी के रेशो से इनकम का रेशो पता लग सकता है। 8:7:56:56 × 3, यहाँ पे 3 का फैक्टर नहीं है, यहाँ पे 56 × 3 18,
168 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। फिर आप इसे डिवाइड करेंगे तो 2 जा 4 जा, ठीक है, 8 इतना करता है तो रियोज के 21 होगा, और 3 इसे करेगा तो 81, हाँ 84 भी हो सकता था, नहीं 84 नहीं होता, चलिए 3 से आपने इसको किया तो 3 5 जा 15 और 106, 56 रोज का, ओके चलिए। तो ये हो गया हमारा ही कॉन्सेप्ट। तो अब बताइए, ए रोज के 24 करता है, बी रोज के 21 पेड़ लगाता है, सी रोज, ये तीनों मिलके 56 लगाते हैं, मतलब हमारा ए प्लस बी प्लस सी रोज के 56 लगाता है ना। अब एक बात बताइए, ए कितने लगाता है आपके 24, बी कितने लगाते हैं आपके 21, दोनों मिलके कितने हो गए आपके ये 45। तो 45 प्लस सी की वैल्यू है 56, तो सी कितना होगा आपका 56 में से 45 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 11, ठीक है। तो अब आपकी एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ गया दोस्तों, ए बी और सी, ये आपका ए है 24 तो बी है 21 तो सी है 11। तो आपसे पूछा सी को कितने मिलेंगे, भाई अगर तीनों को जोड़ूं मैं तो ये बन गया 45 पर 11, 56, 56 रुपये जब होते हैं तो सी को मिलते हैं 11 रुपये, लेकिन यहाँ रुपये हैं 1400 रुपये, तो 1400 रुपये होंगे तो कितने मिलेंगे, तो 11 11 अपॉन 56 इंटू में 1400, ये कटा आपका 100 से, ये कटा आपका 4 से, 4 कटा आपका 25 से, 25 इंटू में 11 है ना, तो आपका हो गया 275 रुपीस। तो आपको जो नया लड़का था, जो भी वो लड़का था, उसको 275 रुपये देंगे, 1400 रुपये का पूरा काम था। तो इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको कई बार करवा रखे हैं, अब तो आपको ये सब तरह के क्वेश्चन आने हो गए। मैं एक और ऐसा सवाल लूँगा, आप उसको क्या करेंगे, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन करके खुद अटेम्प्ट करेंगे और देखेंगे कि उसको आप कितने अच्छे तरह कर सकते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन ऐसा लूँगा, अभी नहीं, देखता हूँ, एक दो सवाल और करवा दूँगा आपको, उसके बाद ट्राई करूँगा, ओके चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पे, 5 आदमी और 7 औरतें मिलके अर्न करती, मिलके नहीं अलग अलग अर्न करते हैं 5250 रुपये पर डे, ठीक है, 5 आदमी 7 औरतें। अब आपसे पूछा है कि 7 आदमी और 13 औरतें कितना अर्न करेंगे, ठीक है। आपको क्या है, 5 आदमी 5 मैन और 7 वुमेन ये अर्न करते हैं दोनों मिला के 5250 रुपये। अब आपसे पूछा है कि 7 मैन और 15 वुमेन, यही है आखिर 13 वुमेन है ना, 13 वुमेन है, सॉरी दोस्तों, 13 औरतें कितने रुपए कमाएंगी पर डे। अच्छा एक बात बताइए, अगर आपका 7 आदमी 5250 रुपये कमा रहे हैं तो एक आदमी कितना कमा रहा होगा, भाई 5 आदमी इतना कमाता है रोज के, तो एक आदमी कितना कमाएगा, 5250 डिवाइड बाय आपका 5, यह आपका आ गया 1050, इतने रुपये रोज का एक आदमी कमाता है। अच्छा 7 औरतें 7250 रुपये कमाती हैं, तो एक औरत कितना कमाएगी, एक ले औरत कमाएगी आपकी 5250 डिवाइड बाय 7, यह आपका आ गया 750 रुपये रोज के कमाती हैं विमेन, ये डेली हो गया। अब एक औरत एक आदमी रोज के कमाता है 1050 रुपये, एक औरत कमाती है रोज के 750 रुपये, तो टोटल 7 आदमी और 13 औरतें कितने कमाएंगी दोस्तों, तो ये हो जाएगा 7 × 1050 + 13 × 750। अब इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 0537 प्लस में आपका 13 × 0 = 65 का कैरी ऑन 5 कैरी ऑन 6 13 × 7 = 91 + 6 97 9750। अब आप इसको जोड़ लीजिए तो ये आप इसमें से 250 रुपये दे देंगे तो ये 10000 बन जाएगा, 10000 तो इसमें से 250 चला गया, 17100 रुपये टोटल कमाएंगे, देख लीजिए ऑप्शन मिला के।
ऑप्शन नंबर फोर। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन हो गया। अलग सा था थोड़ा, वेजेस पे रेशो में डिस्प्यूट नहीं था। ये भी आपको क्या सिंपल सा है, मतलब ऐसा नहीं है कुछ टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट लग रहा है, पर फिर भी आपको करवाना जरूरी था कि आप कंफ्यूज ना हो। चलिए नेक्स्ट सवाल आप सबकी स्क्रीन पे। दो आदमी एक औरत दोनों मिलके 14 दिन में किसी काम को करते हैं, जबकि 4 औरत और 2 आदमी मिलके उसको 8 दिन में करते हैं। एफिशिएंसी का रेशो निकालना है। अगर आदमी को 600 रुपये मिलते हैं तो बताइए औरत को कितने मिलेंगे, है ना। तो 2 आदमी, 2 men + 1 women, ये वर्क कितना करते हैं दोस्तों, ये लगाते हैं 14 दिन, तो ये हो गया आपका वर्क। मैंने समझाया था आपको, ये एफिशिएंसी वाला कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें। फिर 4 औरतें और 2 आदमी उसी काम को करते हैं आपका 8 दिन में। अब आदमी को मिलता है दोस्तों 600 रुपये पर डे, है ना। एक एम को मिलता है आपका 600 रुपीज़ पर डे, इसी से कॉन्सेप्ट निकलेगा। अब हमें क्या निकालना है दोस्तों, रेशो, है ना। पहले काट देते हैं, 7 से कटेगा, ये 4 से कटेगा। अब मल्टीप्लाई, 14M + 7W इज इक्वल टू आपका 16W + 8M। M को इधर लेके आइए दोस्तों, 14M - 8M। W को इधर लेके जाइए दोस्तों, 16W - 7W, इसका मतलब आपका 6M = 9W। तो M/W का रेशो आ गया, मतलब मेन और वीमेन का रेशो आ गया आपका 3/2, कट जाएगा ना 3/2, मतलब M 3 बनाता है तो W 2 करती है। मतलब M को अगर 3 रुपये मिलते होंगे तो W को 2 रुपये मिलेंगे, M को अगर 3 रुपये मिल रहे हैं तो W को 2 रुपये मिलेंगे, M को अगर 3 रुपये मिल रहे हैं तो W को 2 रुपये मिलेंगे। लेकिन यहाँ मिल रहे हैं 600 M को, तो 600 रुपये मिलेंगे तो कितने मिलेंगे, 2/3 × 600। ओके दोस्तों, 200, मतलब उसको मिलेंगे 400 रुपये। आप यहाँ से भी निकाल सकते थे, 3 की वैल्यू ही तो आपकी 600 है, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी दोस्तों 200, तो 2 की वैल्यू होगी आपकी दोस्तों 400, है ना साहब। चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आप सबकी स्क्रीन पे। दो आदमी किसी काम को करते हैं 960 रुपये में, लेकिन फिर वही बात, एक आदमी उसको 16 दिन में कर सकता है, दूसरा आदमी उसको 24 दिन में कर सकता है, लेकिन उन्होंने क्या किया, एक तीसरे आदमी की मदद ली और उसने मिलके 8 रुपये में वो काम कर दिया। देखिए वही सवाल आ गया, तो आप लोग इसको अटेम्प्ट करेंगे पॉज करके। ओके, तो बताइए तीसरे आदमी का शेयर कितना होगा। एक तो क्या है, 960 रुपये ये बांटने हैं, ठीक है। एक एक वाला बी, तीनों ने मिलके काम किया तो A+B+C। अब ए अकेला करता उस काम को 16 दिन में, दूसरे 24 दिन में, इसने किया 16 दिन में, इसने किया 24 दिन में, इसने किया 8 दिन में। ओके दोस्तों, तो ये आ जाएगा आपका 24, 16, 8, 8, 16, 3 = 48 हमारा LCM आ गया। ओके, तो ए लगाता है रोज के 3, ये लगाता है रोज के 2, ये लगाता है रोज के 6। ओके, अब इजी निकल गया। अब ए है 3, बी है 2 और A+B+C है 6, इसका मतलब A+B हो गया 5, A+B 5 है और C के साथ मिलके है 6, तो इसका मतलब C की वैल्यू होगी 1। अब आपसे पूछा क्या है, C को कितने रुपए मिलेंगे, तो रेशो देखिए आप, A, B, C, एफिशिएंसी, क्योंकि सबने मिलके काम किया है, तो एफिशिएंसी का रेशो देखेंगे। तो ये आपका 3, ये आपका 2, तो C आपका 1। ओके, तो अब एक बात आइए, 3, 2, 5, 6, जब 6 रुपये सबके मिला के हैं तो आपको मिल रहा है 1 रुपये सी को, सी के पैसे निकालने हैं। तो हमसे पूछा है कि 960 होंगे तो क्या होंगे, तो 960 होंगे तो 1/6 × 960, 160 रुपये, है ना। 160 मिल जाएंगे सी को, जो तीसरा आदमी था उसको हमने सी माना था और उसको मिल जाएंगे 160 रुपये। चलिए दोस्तों, तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल आप सबके स्क्रीन पे। ये भी कुछ वैसे ही क्वेश्चन है,
इसमें बोला है स्टैनी और पॉल ने किसी काम को किया और 28,800 रुपये में उन्हें करना है उस काम को। अब स्टैनी 36 दिन लेता है तो पॉल 48 दिन लेता है। अब इन तीनों ने मिलके उन्होंने क्या किया, एक एक्सपर्ट को हायर किया और एक्सपर्ट के साथ मिलके उन्होंने उस काम को 12 दिन में कर लिया। तो बताइए उस एक्सपर्ट को कितने रुपए मिलेंगे? ओके 36 और 18 है ना, स्टैनी ले लिए 36, बी लेता है 18 और है ना स्टैनी और पॉल थोड़ी और दूसरा एक एक्सपर्ट है ना। अब स्टैनी प्लस पॉल प्लस एक्सपर्ट उस काम को कर देते हैं आपके, उस काम को कर देते हैं ये 12 दिनों में, ये 48 है दोस्तों, 18 दिन ही 48 डेज लेता है ठीक है। तो अब इनको बांटना है 28,800 रुपये बांटना है। तो बताओ एक्सपर्ट को कितना मिलेगा, देखते हैं एक्सपर्ट को कितना मिलेगा है ना। यहाँ पे आया 36 और ये 96 108, ये क्या होता है हमारा 6 × 6 8 जा है ना, 6 8 आता 36 × 8 36 × 1 मिनट। इसका हमें लेना पड़ेगा एलसीएम, एलसीएम आप अपने तरीके से लिए, मैं अपने तरीके से लेता हूँ। इसमें यह है 6 × 8 ओके है ना, तो यहाँ पे है क्या 3 9 9 8 जा हाँ 3 3 जा यहाँ पे है 3 का स्क्वायर यहाँ पे है 2 का क्यूब 9 × 8 9 8 जा 72 एक मिनट कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, ये हो जाएगा मेरा 224 3 से डिवाइड किया 16 2 की पावर 4 × ओके 2 की पावर 4 16 × 9 16 9 जा 144 एलसीएम आ गया दोस्तों उसका ठीक है। चलिए अब 36 जब स्टैनी करता है तो वो रोज़ के 4 करता होगा, ये जब वो करता है तो रोज के 3 करता होगा, 48 × 3 16 × 9 144 बिल्कुल सही है मेरा। तो 3 आएगा ओके, और ये तीनों मिलके करते हैं तो आपका 12 आया ओके। तो अब बताइए स्टैनी ने 4 किया, पॉल ने 3 किया, तो अब स्टैनी ने 4 किया, पॉल ने किया 3, एक्सपर्ट को मिला के ये करते हैं सो टोटल 12। तो बताइए एक्सपर्ट कितना होगा, 3 × 4 = 7 तो इन्होंने कर दिया, पूरा मिला 12, तो 12 − 7 मतलब आपका 5 तो कर रहा है एक्सपर्ट। अब जो रेशो है उसी रेशो में बट जाएगा। अब रेशो क्या है दोस्तों, आपका स्टैनी पॉल और जो एक्सपर्ट था उसका रेशो हो गया 4:3 और 5। अब क्या है 7 5 12, जब टोटल 12 रुपये होते हैं तो एक्सपर्ट को मिलते हैं 5 रुपये, टोटल है 28,800, तो एक्सपर्ट को मिलेंगे 5 × 12 × 28,800 ओके दोस्तों। तो ये कटेगा आपका 24,000 में, 28,800 था सॉरी, ये हो गया दोस्तों आपका 2400 × ये तो 12,000 रुपये ठीक है। तो उस एक्सपर्ट को आप 12,000 रुपये दे देंगे, ये चीज़ें हैं दोस्तों। इसी तरह से आपको खूब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना है अलग अलग वैरायटी के, और एलसीएम देखिए फास्ट निकालिए, सबका अपना तरीका होता है, मेरा अपना तरीका है, मैं कॉमन फैक्टर देख रहा था उसके, उसमें कुछ गलती कर सकता हूँ पर आप लोग गलती पर, आपकी गलती कोई गुंजाइश नहीं है। मैं अपने एग्ज़ाम में सक्सेसफुल हो चुका हूँ कई बार, अब आपको होना है ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आप सबकी स्क्रीन पे। अब ये बोला गया है कि ए के पास एक कुछ पैसे हैं जो कि ए के जो डेली वेजेस होता है ना वो 21 दिन के लिए काफ़ी हैं और बी के 28 दिन के लिए वेजेस काफ़ी हैं। तो बताइए अगर दोनों मिलके काम करें तो फिर वो काम, तो फिर कितने वेजेस उनको मिलेंगे ठीक है दोस्तों। वर्क के बराबर मान लेते हैं भाई, ए के 21 दिन के बराबर हैं और बी के आपके 28 दिन के बराबर हैं, तो वर्क कितना मान लेंगे हम, वर्क मान लेंगे दोस्तों हम
सेवन थ्री जा सेवन फोर जा सेवन थ्री 21 इंटू में 4, तो 21 इंटू में 4 आपका 84 आ गया। ओके चलिए, तो ये रोज के 3 करता है और ये रोज के 4 करता है। अब आपसे बोला गया कि भाई अगर कितना था तो बताओ कितना उनके डेली वेज में कर देगा। तो भाई हमें ये पता है कि देखिए आपको वेजेस नहीं पता, तो हमें पता वर्क के बराबर होता है ना, वर्क के बराबर होता है, तो इसी को मान लेते हैं भाई 84 वर्क के बराबर है और डेली डेली वो 7 करते हैं तो कितने दिन तक चलेगा वो काम, कितने दिन तक उनको पैसा दे सकते हैं। भाई 84 दिन का काम करवाना होता है, 84 हमारे पास टोटल पैसे हैं, है ना। आप वर्क को पैसे के बराबर मान सकते हैं, मैंने आपको कहा था जितना वर्क उतना पैसा, तो आप ये मान सकते हैं कि भाई टोटल पैसे ही 84 रुपये हैं और ये रोज के 4 रुपये लेता है, क्योंकि 21 दिन तक 84 रुपये लेता है, रोज के 4 रुपये लेता है, और ये 28 दिन तक काम चल सकता 84 से, तो रोज के 3 रुपये लेता है, तो दोनों मिला के काम करेंगे तो रोज के 7 रुपये लगेंगे। टोटल 84 रुपये हैं, 7 रुपये रोज खर्च होंगे तो कितने दिन तक खर्च होंगे बाय 7, ये आपका आ जाएगा दोस्तों 12, 12 दिन, 12 दिन तक। देखिए क्वेश्चन लगने में बड़ा कॉन्सेप्ट होगा, कॉम्प्लेक्स सा लग रहा होगा कि होगा कि नहीं होगा, कैसा था, इसीलिए मैंने इसको चूज़ किया था आपको समझाने के लिए। कॉम्प्लेक्स दिखने में लगता है, जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो आपके फंडाज है, फंडामेंटल बिल्कुल स्वस्थ होने चाहिए, फिर उसके बाद कोई क्वेश्चन आपको परेशान बिल्कुल नहीं कर सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप सबकी स्क्रीन पर। एक स्किल्ड है, एक हाफ स्किल्ड है, सेमी स्किल्ड मतलब अधूरा आधा, और एक अनस्किल्ड है ना, अनस्किल्ड लेबर है, वो वर्क करते हैं 7, 8 और 10 दिन, है ना। एक स्किल्ड है, एक सेमी स्किल्ड है और एक अनस्किल्ड है, ये डेज आपका दे रखा है, उन्होंने वर्क करते हैं 7, 8 और 9, 10 दिन, 7, 8 और 10 दिन काम करते हैं। अब उन्होंने बोला है कि तीनों को मिलके टोटल पैसे जो मिलते हैं वो 369 है, 369 काम के। अब उनके बोला है कि उनके हर दिन का जो वर्क का जो रेशो है वो भी 1/3, 1/4 और 1/6, तो बताओ एक ट्रेंड लेबर को कितना पैसा मिलेगा। ट्रेंड लेबर मतलब आपका स्किल्ड लेबर। ओके दोस्तों, तो 1/3, 1/4, अब इनका एफिशिएंसी भी दे रखी है पर डे वर्क, 1/3, 1/4 और 1/6 है दोस्तों, ठीक है, पर डे वर्क है उसे आपसे इतना पता है। और डेज कितने काम करता है हमारा, ये डेज काम करते हैं 7, 8 और 10, 7, 8 और 10 डेज। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको कहा है कि एफिशिएंसी इन्होंने पहले खुद ही दे दी है हमें, लेकिन क्या है इसके फैक्टर ठीक से करने पड़ेंगे। करने के लिए क्या करूँगा, मैं एलसीएम लूँगा, एलसीएम आएगा 12 से कर दूँगा मल्टीप्लाई सबको, एफिशिएंसी ठीक वाली आएगी आपकी, 12 से मल्टीप्लाई किया तो 4, 3 और 2, ठीक है। अब वर्क, अब देखिए सब ने अलग अलग दिन काम किए हैं, दिन इसने 7 दिन, इसने 8 दिन, इसने 10 दिन, सब ने अलग अलग दिन काम किए हैं, तो टोटल जितना भी काम होगा वो जितने उन्होंने दिन काम किए उसके हिसाब से होगा, एफिशिएंसी इनटू में वर्क, तो टोटल वर्क कितना किया है सबने ये निकल जाएगा हमारा, 7/4 जा इन्होंने किया है 28, 8/3 जा इसने किया है 24 और 10/2 जा इसने किया है 20, तो टोटल रेशो आपका आ गया। इसको आप चाहें तो वर्क का रेशो, इसी में वेजेस हमें इन सबको मिला के मिले हैं 369 रुपीज़। तो आपसे पूछा है कि स्किल्ड लेबर जो ट्रेंड लेबर है उसको कितने रुपए मिलेंगे, तो देखिए दोस्तों इसमें भी 4 से कट सकता है तो इसको और काट दें हम, तो 7:6:5 आ गया आपका आंसर, ठीक है। ये आ गया उनके जो भी वेजेस का रेशो कितने कितना मिलेगा। अब पूछा है कि आपको स्किल लेबर को कितना मिलेगा, तो भाई हमारे स्किल लेबर को मिलता है 6, 5, 7, 6, 13, 18, जब 18 रुपये मिलने होते हैं तो स्किल लेबर को मिलता है हमारे 7 रुपये, तो यहाँ तो 369 रुपये बटने हैं दोस्तों, अच्छा अमाउंट है, तो इसको कितना मिलेगा 7/18 × 369, अच्छा 9 से काटिए आप तो 2, 9, 4 जा 41, ठीक है। चलिए आप और कीजिए इसको, 7/4 जा 28, 287 डिवाइड बाय
243.5 रुपीज़, ठीक है, इतना मिलेगा हमारे ट्रेन लेबर या फिर स्किल लेबर को। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 143.5, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। ओके चलिए और क्वेश्चन देखते हैं, और वैरायटी वाले। अगला सवाल दोस्तों आप सबके स्क्रीन पर, ए बी सी तीनों को मिला के काम करने के लिए दिया गया है और तीनों को रुपए जो मिलेंगे वो 575 मिलेंगे। ए और सी दोनों को मिलके 19/23 काम का भाग करना है, तो बताइए बी को कितना मिलेगा। ओके देखिए दिखने मुश्किल है बहुत आसान, 575 रुपये बांटने हैं सबको, ठीक है। ए और सी काम का कितना भाग कर रहे हैं, 19/23। अगर आप सारे लेक्चर देखते हुए आए हैं तो मैंने आपको समझाया है कि अगर 19/23 काम का भाग का क्या मतलब, अगर 23 काम है तो 19 काम करना है। अच्छा 23 काम है तो 19 काम कौन कर रहा है आपका, ए और सी। अगर 23 काम है 19 काम ए और सी ने कर लिया तो बी ने कितना किया होगा, भाई टोटल काम 23 है, 19 ए और सी ने किया होगा तो बी ने कितना किया है, 23 में से 19 को घटा दीजिए, बी ने अकेले 4 काम किया होगा। अब आपसे पूछा गया कि बी को कितने पैसे मिलेंगे, तो भाई बी ने जितना काम किया है उसी रेशियो में पैसे मिल जाएंगे, है ना। तो बी ने 23 में से 4 काम किया है ना, तो 23 काम करने के 575 रुपए हैं, 23 काम करने के 575 रुपए मिलते हैं जी। तो 4 काम करने के कितने मिलेंगे, बी 4 काम कर रहा है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं भाई बी ने कितना काम किया, 4/23 इंटू में 575, वही चीज आएगी आपकी दोस्तों देखो। तो ये आपकी आपकी 575/23 इंटू में आपका 4, ये आपका कटेगा 115, हाँ ये इंटू में 25 4 100 रुपीज़, मतलब आपके बी को 100 रुपये मिल जाएंगे। देखिए मुश्किल था लेकिन रेशो क्वेश्चन समझ सकते हैं आप, 23 काम है तो 19, इसी से आप चीज़ों को आराम से समझ सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 100 रुपीज़ इज करेक्ट आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम जिससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा अच्छे से, बहुत अच्छे से। क्वेश्चन है कि दो आदमी और एक औरत किसी काम को 14 दिन में कर लेते हैं, जबकि 4 औरत और 2 आदमी उसी काम को 8 दिन में करते हैं। अगर मैन को आदमी को 180 रुपये पर डे मिलता है तो बताइए औरत को पर डे क्या मिलेगा। देखिए दोस्तों हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया है, आप लोग इसको पॉज करके खुद कीजिए पहले, तो मैं आपको बता देता हूँ बात। भाई 2m+1w ये काम को कितने दिन में कर रहे हैं दोस्तों, ये कर रहे हैं आपके 14 दिन में, और यही काम कितना है हमारा, यही काम है हमारा 4 women+2 men, और ये कर देते हैं इस काम को नंबर ऑफ डेज आपका 8। अब मेन को मिलता है आपका 180 रुपये, ये भी दे रखा है, तो अब हमें बताना है कि औरत को कितने रुपए मिलने चाहिए। अब आप इसको काटिए, ये कटेगा 4 से, ये कटेगा 7 से, 7 हो जाए 14m+7w इज इक्वल टू आपका 16w+8m, m को इधर ले जाइए, w को उधर लेके जाइए, तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों 14m-8m इज इक्वल टू 16w-7w, तो ये आपका आ जाएगा 6m इज इक्वल टू आपका 9w। पता नहीं क्यों ऐसे बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन लगता है पहले भी आया हुआ है, ठीक है। तो आपका m/w इज इक्वल टू आया हुआ नहीं है, सामने किया है इसलिए कीजिए, बस ये फिगर आपकी अलग है, बस ये डाटा आपका अलग दे के रखा हुआ है इसलिए आपको करना है, पहले कुछ और डाटा था उसका, ठीक है। तो m/w क्या जाएगा दोस्तों, ये 9/6 जो कि हो गया 3/2, ठीक है। पहले याद है सवाल हमने किया था उसमें कुछ नहीं था, m को 600 रुपये मिलते थे तो इसको निकाला था, बाकी ये बिल्कुल सेम था। तो पूछा गया था कि एम को अगर 600 रुपये मिलते तो वुमेन को कितने मिलेंगे, 400 रुपये आंसर हमने निकाला था, भूलिए मत, ठीक से कीजिए, ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन था। तो अब आदमी को जब तीन
एफिशिएंसी है तो औरत को मिल की दो एफिशिएंसी है। अब क्या है, सेम ना, अब बोला गया है कि अगर एक ही दिन का काम है, दिन जब सेम है तो एफिशिएंसी के हिसाब से बात दीजिए। तो जब आदमी को तीन मिलते हैं, तीन का मतलब है 180 रुपया, तो एक का मतलब कितना हो जाएगा दोस्तों, तीन का मतलब है 180 रुपया। औरत को कितने मिलते हैं, दो, तो दो का कितना मतलब होगा दोस्तों, 180 अपन में तीन इंटू में दो इज इक्वल टू कट जाएगा 120 रुपये। तो एक लेडी को, एक औरत को रोज के 120 रुपये मिल जाते होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज हमारा लेक्चर 18 यहीं पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। हमने बहुत सारे वैरायटी क्वेश्चंस किए, उसके बाद भी अगर आपको डाउट रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन आपको बिल्कुल बता देंगे। आपके सक्सेस में हमारा अगर हाथ हो तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जहाँ तक हो सके वहाँ तक पहुँचाइए। आपको आपके एग्ज़ाम के लिए फेब्रस एडियो की टीम की तरफ से ऑल द बेस्ट।